राम राम भाइयों, मैं आपका अपना बिंदा जींदवाड़ा। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि खड़ा खाने के बाद स्पेशली लंच कुछ मीठा खाने का दिल करता है, और हमारे हरियाणा में तो और भी खासकर लोग जो है मीठे के शौकीन होते हैं। और पुराने आदमी तो हमने देखे होंगे, कह दिया कर दे रेको गुड़ की डली है तो ले आओ, क्यों धीरे कह दिया कर दे ना। तो भाई हमने लंच कर लिया है अभी, और यहाँ गुड़ की डली तो मिलना मुश्किल है, तो इसलिए हम कुछ मीठे की तलाश में निकले हैं। और यहाँ पास में ही एक दुकान है जहाँ का पेठा बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे जो आज हम पेठा खा के आ रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं पेठे की कितनी वैरायटियाँ हैं, और पेठे की बहुत बड़ी दुकान है, तो हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे। चलिए ले भाई। दोस्तों, हम जो है करनाल में जो चंडीगढ़ हाईवे है इस पे निकले हैं पेठे की तलाश में, तो अभी हम जो है पहुंच जाएंगे। ये देखिए गाड़ियाँ कैसे धक्का धक भागी जा रही हैं, जैसे बेरा नहीं इनका पाछे की लाग रहा, वो तारी गाट तोड़ देंगे। तो भाई दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच गए पेठे की दुकान पे। वो देख लो, आपको दिखाई दे रहा है पेठा पड़ा हुआ बाहर बेकदरी के साथ, जिसको हम इतना चाव से खाते हैं। ये देखो भाई, ये पेठा भंडार है, यहाँ पे जो है ये पेठा उतारा हुआ है। देखो कितना बड़ा, ये ऐसे है पेठा। और ये अभी हम चल पड़े पेठे की दुकान में, ले लो भाई देख लो। बोल भाई, देर से कौन सा लेना है? एक तो बनारसी पान। बनारसी पान कौन सा है? नीचे कौन सा? ये अरे वाला, नीचे वाला, ये निकाला जिसपे बनारसी पान, ये बनारसी पान। ये देख लो भाई बनारसी पान कैसा है। और कौन सा लेना? और एक ये लेते हैं मिल्क पेठा। मिल्क पेठा भाई, एक पीस, एक एक पीस बनारसी पान और एक एक ये मिल्क पेठा दे दे। हाँ ये देखो, ये कौन सा इलायची वाला पेठा है क्या? ये इलायची के, ये देखो भाई, ये इलायची पेठा है, ये और ये केसर का, ये सिंपल है, ये सिंपल पेठा है, ये 500 ग्राम। और ये कौन सा है? ये केसर पेठा है, ये केसर पेठा भाई। ये कैसे है? ये 75 का आधा किलो है, ये 75 का आधा किलो, ये 150 रुपए किलो, और ये 150 रुपए किलो, ये 130 रुपए। और ये आगे देख लो भाई, ये 130, ये इलायची का। अच्छा अच्छा, चलो दे दे यार, एक एक पीस दे दे। ले भाई, अभी इसकी जो है बलि दी जाएगी, इसको चखते। उठा भाई धीरज, खा के दिखा कैसा लग रहा है। एक टिश्यू पेपर देना भैया। आ गया मजा? ठीक है ठीक है, हम भी देख लेते हैं। दोस्तों इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, बादाम। ये क्या है? ये खाने का ही है? हाँ, ये खाने का ही है सारा कुछ। अच्छा, पेठा होगा। बढ़िया भाई, एकदम मजेदार। देर दूर आना जाओ, इसमें जब यह होगा सबूत होना चाहिए कि बाहर क्या क्या खाते हैं। बढ़िया है, आप इस दुकान पे पिछले कितने सालों से आ रही हैं? दो साल से लगातार खा रहे हो भाई झूठ बोले कदे कदे आओ साल छह महीने में। ले दोस्तों, पेठा खा लिया है, अभी आ गई है बारी पैसे देने के लिए। भाई मेरे 40 रुपए ले, 40 मैं और 40 ये आधे आधे है भाई, क्योंकि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। दे दे भाई, दे दिए, चले फिर आ जा भाई।
है कि हमारा साथी कुछ और ले रहा है, इसको मजा नहीं आ रहा। कौन सा लिया? केसर। केसर चलो ठीक है, चले ऐसे ले। ये ब्लॉग बनानी भी बड़ी अजीब पुरानी है, किरा किरा जो किरा क्या ले लें। बहुत बढ़िया दुकान है यार ये, जैसे जींद में राजेश पेठा भंडार है यहाँ पे। क्या नाम भाई इस दुकान का? ये गोवर्धन पेठा भंडार है, ये कर्नाटक का फेमस है। फेमस है ना भाई, ये और भी है इसके बराबर में कोई दुकान नहीं। ये इकलौती ऐसी दुकान है जो पूरे कर्नाटक में फेमस है और पेठा सप्लाई करती है। चले फिर आ जाओ भाई, चल पड़ते अपने वापस। तो पेठा खाने की ड्रिल यहीं खत्म। जय हिंद, जय भारत।